कि कोरोना यानी कोविड-19 के सिलसिले में आजकल वैक्सीनेशन की तहरीक चल रही है और जा बजा हुकूमत की तरफ से भी वैक्सीन लगाने की तरगीबात दी जा रही हैं। तो इस सिलसिले में सवाल यह है कि शरई तौर पर इस तरह की वैक्सीन लगाना दुरुस्त है या नहीं, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो जवाबन अर्ज़ है कि ये कोरोना या कोविड-19 एक बड़ा मुहलिक मर्ज है, इसकी कोई बाकायदा दवा अब तक ईजाद नहीं हुई है। अलबत्ता वैक्सीन के ज़रिए से इस मर्ज से बचाव की किसी हद तक तदबीर के तौर पर कोशिश की जा रही है। यह वैक्सीन दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसानी जिस्म में मुदाफाती निज़ाम रखा गया है उसको मुअस्सर बनाने में मदद देती है, ये इस वैक्सीन का असल काम है। और शरीयत में हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम अपनी जान की हिफाजत के लिए जो भी जायज़ तदबीरें हो सकती हैं उनको हम इख्तियार करें। उन्हीं तदबीरों में से मौजूदा ज़माने में एक तदबीर यह वैक्सीन भी है, इसलिए शरई तौर पर इसे लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, इसे खिलाफ शरीयत करार नहीं दिया जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि इसमें बाद अज़ा ऐसे हैं जो शरी तौर पर काबिल इश्काल हैं, तो अव्वलन अभी तक इस बारे में कोई यकीनी बात सामने नहीं आई है, और अगर बिलफर्ज यकीनी भी हो तो दूसरी चीज़ ये रह जाती है कि वो काबिल एतराज़ चीज़ अपनी असली शक्ल में वैक्सीन बनने तक बाकी है या नहीं। अगर बाकी हो, इसकी पूरी तहकीक हो जाए, तब तो किसी बहस की गुंजाइश है, लेकिन अगर तब्दील माहियत हो जाए तो फिर इसके इस्तेमाल करने में शरण किसी तरह का कोई इश्काल नहीं है। इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत के लिए अगर कोई वैक्सीन लगवाता है तो शरण उसे नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। सवाल कर रहे हैं कि एक औरत इद्दत में है तो क्या वो दौरान इद्दत वैक्सीन लगवाने के लिए हेल्थ सेंटर जा सकती है? जवाबन अर्ज़ है कि उसे इद्दत के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए घर से बाहर जाना दुरुस्त नहीं है, अगर घर में रहते हुए लग जाए तो हर्ज नहीं है।